हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेस वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग इंस्टेंटेड एफएनओ फीचर ऑफ एंजल वन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एंजल वन एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, देन आपको ये इंस्टेंटेड एफएनओ का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप सेम विंडो में चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, और यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, और तो और आप अपना फेवरेट इंडिकेटर भी यहाँ से लगा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो में देख सकते हैं। कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 18,499। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 18,416 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 18,298 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 18,203 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 18,535 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 18,648 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 18,769 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी के मार्केट में 18,365 के लेवल से एक अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिखा है, और साथ ही साथ हमारे तीसरे सपोर्ट के लेवल जो कि है 18,203 के लेवल से एक अच्छा एक हमें रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला है। बात करें अगर एमएसडी इंडिकेटर की, तो हमें पिक्टोग्राफ में भी हमें ग्रीन सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है। जस्ट इन केस अगर कल की डेट में निफ्टी के मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 18,535 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 18,648 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और इनकेस अगर कल की डेट में मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 18,416 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 18,298 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बियरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की, अब चलिए बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी में क्लिक करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लग चुका है। बैंक निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 43,996 में। हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को असाइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 43,618 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 43,177 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 42,752 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 44,113 का, देन हमारा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल है 44,565 का, देन हमारा तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल है 45,123 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का मार्केट हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल जो कि है 44,113 एंड 43,400 के लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट किया है। और बात करें अगर एमएसईडी इंडिकेटर की, एमएसईडी में भी हमें पिक्टोग्राफ में ग्रीन सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है। जस्ट इन केस अगर कल के डेट में बैंक निफ्टी के मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 44,113 का, और अगर बैंक निफ्टी का मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 44,565 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 43,618 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 43,177 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बियरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर ले। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय कॉल करें। इन केस अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बियरिश रह सकता है, देन आप बाय पुट करें। बाय कॉल करने के लिए मैं बाय कॉल के बटन पर क्लिक करूंगा, देन यहां से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करूंगा। देन यहां आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना है वो आप टाइप करें। मुझे एक लॉट लेना, मैं एक टाइप करूंगा। देन उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना है, उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना, मैं लिमिट में रख के आगे प्रोसीड करूंगा। नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ कन्फर्म बाय, कन्फर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अभी तक आपने अगर एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करें। और अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।